अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के बारे में जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सालन जिसका नाम है अरवी बैंगन का सालन। तो अरवी जो होती है उसे इंग्लिश में कोलोकेशिया भी कहा जाता है और टैरो रूट भी इसे कहते हैं। तो ये है कि आप इसको आसानी से आपको मिल जाता है। आपने करना से भी होता है कि आप सबसे पहले मैंने इसको जो है यहाँ पर वॉश किया छिलके के साथ ही, फिर उसका मैंने छिलका रिमूव कर उस पर अच्छे से नमक यहाँ पर लगा दिया हुआ है और इसको एक घंटे के लिए मैं रखा था क्योंकि नमक लगाने से इस पर एक लेस होती है वो रिमूव हो जाती है। तो अभी मैं इसको वॉश करूंगी। उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर बैंगन, दैट्स ब्रिंजॉल, इसे मैंने जो है काट करके पानी में रखा है। मैंने आपको बताया ये काला पड़ जाता है, तो ये वो हो गया। टमाटो जाएंगे यानी कि बीच में टमाटर, आपने इनको फाइनली स्लाइस कर लेना है। प्याज जाएगा, दैट्स अनियन, ये भी फाइनली स्लाइस्ड है। हरी मिर्चें जाएंगी बीच में, दैट्स बुलेट ग्रीन चिलीज। तीखापन ज़्यादा कम होता है, सॉरी फ्लेवर ज़्यादा, लेकिन अगर चाहे तो आप सादी मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बहनों ने कंप्लेन की है कि उन्हें मिर्चें नहीं मिलती जहाँ पे वो रहते हैं, तो दैट्स फाइन, आपको जो मिर्चें मिलें आप वो डाल सकते हैं। नॉट फॉरगेटिंग कि बच्चों ने खाना है तो ज़रा मिर्चों का ख्याल रखेंगे। लेमन का जूस जाता है, बड़ा ज़बरदस्त का जायका आता है, चटपटा सा। बीच में जाएगा क्यूमिन सीड्स, ये हो गया ज़ीरा। उसके बाद भुना कुटा ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स दोबारा ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड है। कोरिएंडर पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्ची है, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट हो गया, नमक, गरम मसाला, हमेशा आपको बताती हूँ मेरा होममेड है, हल्दी है, टर्मरिक, अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, इसमें एंड में हरा धनिया भी जाएगा। तो तेल में बनाए, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। तो यहाँ पर जो है तेल में मैं इसको बना रही, तेल हो चुका है गरम और जो अरवी है उसे मैंने अच्छे से धो लिया था। अब आप इसको इसमें डालेंगे और हाई फ्लेम पर आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि जो है इसके अंदर जो एक लेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये किसी से फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो ये देखेंगे परफेक्टली यहाँ पे ये फ्राई अप हो चुकी हुई है। मैं इतना इसको फ्राई करना पसंद करती हूँ, उसकी वजह ये होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब जब आप इसका शोरबा बनाएंगे, बेशक इसका मसाला बना लें जो है भुनी हुई जो सब्ज़ी होती, तो ये इंशाल्लाह जो बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ता। बाकी आपकी अपनी चॉइस पर है। तो इसी तेल में बाकी का काम भी करेंगे, तो ये क्या इसे निकाल करके अलहदा रख लेते हैं और जो है आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अरविंद काल की मैंने एक साइड पर रख ली है और यही वही तेल है जिसमें मैंने इसको फ्राई किया था। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि ज़ीरा है, इसमें जाएगा प्याज और आप इसे यहाँ पर अच्छी तरह फ्राई करेंगे, साथ ही जो है थोड़ा सा उसको पहले आप फ्राई कर लें हल्का सा, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन ऐड करते हैं। तो पहले इसको हल्का सा फ्राई करें और फिर नेक्स्ट डे डालते हैं। ये देखें, जब आप देखेंगे कि प्याज नरम हो गया है तब आपने इसमें जो है यहाँ पर, अब मैं ऐड करने लगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हाई पर रखें और इसे अच्छी तरह यहाँ पे आप फ्राई करें, यहाँ तक कि जो प्याज का कलर हल्का सा सुनहरे रंग की तरफ आ जाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है अच्छा सा कलर हो गया है यहाँ पर प्याज का। अब इसमें डालते हैं तमाम मसाले जो आपको दिखाए थे। तो ये चला गया इसमें नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा और बीच में आप ऐड करेंगे जो आपको बैंगन दिखाए थे, उसका पानी सारा मैंने निकाल दिया और ये चला गया बीच में बैंगन। और इसे अच्छी तरह यहाँ पर पहले आप कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसमें यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ जो कि टमाटर है, टमाटर चले गए बीच में, इसको भी इसमें अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसमें आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो है मसाले भी हमारे इसमें पक जाएंगे, टमाटर भी गल जाएगा और जो है मसाला तैयार सा हो जाता है। लेकिन यह है कि इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ पहले। तो ये देखिए थोड़ा सा बिल्कुल मैंने पानी डाला है। फ्लेम को आप रखेंगे यहाँ पर मीडियम पर, इसे कवर कर दें और सिर्फ 5 मिनट के लिए आप पहले जो है बैंगन को थोड़ा सा ज़रा स्टीम हो जाएगी, उसमें हल्का सा कुक होगा और फिर इसके अंदर बाकी अरबी वगैरह डाल करके इसको कुक करेंगे। तो मिक्स हो गया, कवर कर लें मीडियम फ्लेम पर रखकर, सिर्फ 5 मिनट इसको दे दें। तो देख लें 5 मिनट के बाद जो है टमाटर जो है वो अच्छे से गल गया और ये देखिए उसका मसाला यहाँ पर तैयार हो गया हुआ है और बैंगन जो है ऑलरेडी यहाँ पर सॉफ्ट हो रहे हैं। ये सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी बन जाती होती हैं। उसके बाद अरबी जो आपको दिखाई थी फ्राई की हुई, प्लीज़ यहाँ पर मैं आपको टिप ये देना चाहूँगी
कि जब आप इसको नमक लगाएंगे और जब आप इसको धोएंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसको बहुत अच्छी तरह वॉश करें। नॉट फॉरगेटिंग इसके ऊपर आपने जो नमक लगाया हुआ है वो अरवी के अंदर तक चला जाता है, लेकिन ये कि ऊपर से अच्छी तरह उसको वॉश कर लें, ठीक है, वरना फिर ये ना कि आपकी जो हांडी उसमें नमक ज़्यादा हो जाए। तो ये चला गया बीच में मिक्स कर लेने के बाद। अब आपने जो है सिंपली मैं इसको यहाँ पर कवर करूँगी क्योंकि इसके अंदर जो टमाटर है उसका मसाला भरा हुआ है और ज़्यादा पानी मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी वरना फिर जो सब्ज़ी का जायका अच्छा नहीं रहेगा। तो ये कि मैं इसे कवर करने लगी हूँ, बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान में आप रखेंगे और उसको दम पर आपने रख के कुक करना है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो बैंगन है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। आप देखें तो ऑलरेडी ये कुक हो चुका है लेकिन कहीं कहीं से ये कच्चा नज़र आता है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने दें और फिर जो है बाकी चीज़ में ऐड करें। तो ये देखें यहाँ पर परफेक्टली जो है हमारा सालन तैयार हो चुका है, सब्ज़ी पीछे से गल गई हुई है। अगर आप इसकी शेप ऐसे रखना चाहते हैं तो फाइन, वरना बेशक बिल्कुल उसको गला भी सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। उसके बाद यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो कि लेमन जूस है, और जब आप इसको सर्व करेंगे प्लेट में अगर आपको अच्छा लगता है खट्टा तो आप और भी डाल सकते हैं, वो कोई इसमें इशू नहीं है। इसमें चला गया हरा धनिया, गर्म मसाला पाउडर, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फिर जो इसको डिश आउट करेंगे तो ये डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दें, मिक्स कर लें और इसको डिश आउट कर। तो ये रहा आपका सालन अरवी और बैंगन का, ये बहुत मज़ेदार बनता है। इसे आप सर्व करेंगे गर्मा गर्म, रोटियाँ होनी चाहिए साथ में, पुदीने की चटनी हो जाए, सलाद के पत्ते हो जाएं, प्याज वगैरह जैसा आपको अच्छा लगता है। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कम्प्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cookwithfaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।